बिल्कुल अमित, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, रायबरेली से अब अपना राहुल ने नामांकन कर दिया है। राहुल गांधी ने अपना पर्चा भर दिया है। राहुल गांधी ने नामांकन किया है और हम आप जिस तरह से अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, और ये देखिए तस्वीरें अब सामने आ रही है। इस वक्त हम देख पा रहे हैं सोनिया गांधी को, जो कि अब से पहले तक रायबरेली से सांसद हुआ करती थी, लेकिन इस सीट को छोड़ने के बाद राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सोनिया गांधी मौजूद हैं और कुछ देर पहले की तस्वीर है, राहुल गांधी ने अब अपना नामांकन भर दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, आज सुबह हमने एयरपोर्ट पे भी देखा था, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता थे वो सब पहुंचे हैं राहुल के नामांकन में। और अब एक एक करके मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, आप सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं, इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रॉबर्ट वाड्रा भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कई सारे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं जब वो नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे, अंदर वो कमरे में दाखिल हुए, एक एक कर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, खास तौर पर उनके जीजा, उनकी बहन, उनकी माँ, सभी को यहाँ पर मौजूद थे और अपना नॉमिनेशन फाइल किया है राहुल गांधी ने। हालांकि राहुल गांधी की सीट का ऐलान जैसे ही कांग्रेस ने किया है, तभी से बीजेपी हमलावर है, क्योंकि अमेठी से अब तक रायबरेली, अमेठी से सांसद रहे हैं राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया गांधी रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ही सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ी, यहाँ से उम्मीदवारी राहुल गांधी को मिल गई है। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट को छोड़ दिया है, वहां से वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रायबरेली सीट की बात की जाए वो कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित है, खासतौर पर अब तक आने वाले 2019 से पहले तक बताया जा रहा है कि जो रायबरेली है और अमेठी है वो कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीट मानी जाती थी, पुश्तैनी सीट मानी जाती थी। यहाँ पर जब भी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कुछ अपवादों को छोड़ा जाए तो खड़ा हुआ और हमेशा से जीत हासिल की है। बाद में 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया, लेकिन एकमात्र ऐसी सीट थी रायबरेली की जिस पर सोनिया गांधी जीत कर आई और पूरे लोकसभा चुनाव में एक सीट उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को मिली थी। अब यहीं से राहुल गांधी अपना नामांकन भर चुके हैं। नामांकन भरने के समय की तस्वीरें इस वक्त अब हमारे सामने आई है, जिसमें उनकी माता श्री सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है, लेकिन आज सुबह से राहुल गांधी जब से एयरपोर्ट पर उतरे हैं तब से प्रियंका गांधी को हमने सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक कुछ भी नहीं बोला है। बीजेपी हमलावर है, प्रियंका ने भी कहा है ये हमारी स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस ने भी कहा ये हमारी स्ट्रेटेजी है, और इसी स्ट्रेटेजी के तहत रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। एक तरह से कह लीजिए कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी इसे लेकर जोश है, लेकिन उनका मानना था कि अगर अमेठी से उतारा जाता तो ये फाइट जो थी और दिलचस्प होती और एक तरह से संदेश देने की कांग्रेस कोशिश करती और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता। लेकिन अब अमेठी से राहुल गांधी नहीं है, लेकिन अब वो रायबरेली से खड़े हो रहे हैं, इसके भी दूरगामी परिणाम होंगे, कांग्रेस का ऐसा कहना है। एक पूरी स्ट्रेटेजी बना दी गई है और उसी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब बीजेपी क्या कहती है, एनडीए क्या कहती है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि काफी मंथन का दौर चला, पिछले दो दिनों से कयास और अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या प्रियंका या फिर राहुल में से कौन अमेठी से या कौन रायबरेली से खड़ा होगा, लेकिन आज सुबह सुबह ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। आज नामांकन का अंतिम दिन है, राहुल गांधी को इस वक्त हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर जब वो नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे थे, उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, और ये सभी इस दौरान जब राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया वो वहां पर उपस्थित थे। राहुल के नामांकन में जो चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि नामांकन के बाद क्या मीडिया से राहुल गांधी बात करते हैं और इस बात में वो किसी तरह का जिक्र करते हैं कि आखिर किस तरह की रणनीति बनाई गई है, चुनाव में किस तरह से
कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश को लेकर आगे बढ़ेगी और यहां से किस तरह के मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो लगातार कह रहे थे कि राहुल और प्रियंका को इन दोनों सीटों पर उतरना चाहिए, उसको लेकर देने की कोशिश करते हैं। नजर लगातार हमारी बनी हुई है। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, उसमें राहुल गांधी, उनकी मां उस वक्त मौजूद है, उनकी बहन, उनके जीजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई है, भले विपक्ष सत्ता पक्ष कुछ भी कहता रहे, बीजेपी कितनी भी हमलावर क्यों ना रहे, एनडीए के बाकी जो दल के नेता है वो कुछ भी कहे, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है और उसी के अनुसार पूरी स्ट्रेटेजी को, रणनीति को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया गया है। क्या अब यह हम माने कि नामांकन हो चुका है, राहुल गांधी बाहर आ गए हैं या फिर आने वाले हैं, क्या सुखबू का हट वहां पर? नहीं नीलू, अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मैं कैमरा में विपिन से कहूंगा कि थोड़ी हाइट लेकर दिखाएं। ये देखिए आप, ये आप सीधा सामने लिखा हुआ देख पा रही होंगी, न्यायालय कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस, इसी के भीतर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है, अभी नॉमिनेशन पूरा नहीं हुआ है। वो तस्वीर सामने आई जब वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वहां से बाहर निकलेंगे और उसके बाद वो मेन गेट से जब बाहर निकलेंगे वहां पर मीडिया सेंटर बनाया गया है। बहुत संभावना है कि वो मीडिया वालों से बातचीत करें, लेकिन अभी तक फिलहाल परिवार के किसी भी सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा है। सुप्रिया श्रीनेत से हमने जरूर बातचीत की और उन्होंने कहा हमारी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तीन बातों की बहुत महत्वपूर्ण यहां पर स्थिति हो जाती है, एक तो चर्चा, पर्चा और खर्चा। उनका कहना है कि पर्चा भरने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं, चर्चा इस बात को लेकर लगातार कई दिनों से चल रही थी कि राहुल कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और ऐसे में आज सुबह सुबह वो सस्पेंस खत्म हुआ। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ रायबरेली के रण में उतरी है और ये सब कुछ रणनीति का हिस्सा है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर किसी को लग रहा है कि किशोरी लाल को अमेठी से उतार देने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर स्मृति ईरानी को वॉकओवर दे दिया है, तो यह उसकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी वहां पर पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, बल्कि उनका तो यह भी कहना है कि पूरे देश में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और यह चुनाव संविधान को और देश को बचाने का चुनाव है। इस बार परिवर्तन होगा, इस बात का उनको पूरा भरोसा है। लेकिन फिलहाल देखना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा नीलू, कि जब राहुल गांधी नॉमिनेशन के बाद निकलते हैं तब उनकी तरफ से क्या बात कही जाती है, साथ ही साथ क्या सोनिया गांधी यहां पर कोई बातचीत करती है, प्रियंका गांधी जो कि यहां पर राहुल के लिए कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, उनका कहना है कि मैं यहां पर चुनाव लड़वाने के लिए मौजूद हूं, सब कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए मौजूद हूं, तो कैसे पूरे चुनाव को कोऑर्डिनेट करेंगी यह देखना और सुनना भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा। हम सभी को इंतजार है, सभी मीडिया कर्मियों को इस बात का इंतजार है कि जब वो बाहर निकलेंगे तब किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और बीजेपी की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं है वो डर कर भाग गए हैं, तो देखना होगा कि इस पर क्या काउंटर सामने आता है। और ये जिस रणनीति की बात कही जा रही है, अगर तस्वीरों में देख पा रही होंगी तो प्रियंका भी आपको नजर आ रही। नीलू, विपिन, आप जूम करके दिखाई, देखिए आप अभी प्रियंका और शायद किसी बात को लेकर वो हंस भी रही है, मुस्कुरा रही है किसी से बातचीत करते हुए। ये देखिए सामने जो शख्स आपको बैग लेकर दिखाई पड़ रहा है उसके ठीक सामने प्रियंका गांधी मौजूद है। ये देखिए विपिन, आप दिखा रहे हो तस्वीरें, सोनिया प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी नीलू, वो कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर ही उस बेंच पर बैठी हुई है। राहुल गांधी इस वक्त अंदर हैं जहां पर नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत खास होगा कि किस तरीके से नॉमिनेशन के बाद उनकी तरफ से बातें कही जाती हैं। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि प्रियंका के बगल में अशोक गहलोत मौजूद हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जिससे इस वक्त उनकी बातचीत चल रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत, राहुल गांधी के नॉमिनेशन में सभी बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं। बहुत खास ये मौका है, खास मौका इस मायने में कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती को दिखाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन यहां पर हुआ है, कांग्रेस पार्टी ये दर्शवाना चाहती है कि हम भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल वायनाड चाहती है और दर्शाने के साथ साथ एक तरह से जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी आज नॉमिनेशन में राहुल गांधी के साथ पहुंचे, शक्ति तो जरूर वो दिखाना चाहती है कि हम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक बड़ी सी बड़ा मैदान बीजेपी के लिए छोड़ दिया, एक पिच पर खेलने के लिए बीजेपी को छोड़ दिया जहां पर अमेठी सीट से राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को मौका मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि अगर वाकई अगर कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं में या फिर लोगों में मैसेज देना था तो वो सबसे अच्छी सीट थी अमेठी की सीट, भले वो रणनीति की बात करते हो और बहुत सारी बात और करते हैं कि दमखम के साथ, लेकिन एक पूरा मैदान खेलने के लिए बीजेपी को दे दिया कांग्रेस ने।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है नीलू, आप समझिए कि स्मृति ईरानी बीते 2 महीने से लगातार अमेठी में डटी हुई हैं। उन्होंने अमेठी में अपना घर बनाया, गृह प्रवेश किया, वहीं पर लोगों के बीच में हैं। और राहुल गांधी जब वायनाड में जाकर ये बात कहते हैं कि वायनाड मेरा घर है, तो स्मृति को एक मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए कि बताइए आज तक वो कहा करते थे कि अमेठी मेरा घर है। 2004 में यहां से जीते, 2009 में यहां से जीते, 2014 में यहां से जीते, और 2019 में जब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा तब वो वायनाड में जाकर कह रहे हैं कि वायनाड मेरा घर है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इन बातों का आकलन कर रही थी कि 2 महीने से स्मृति ईरानी वहां पर जो माहौल बना रही हैं, बहुत आसान नहीं होगा राहुल गांधी के लिए अमेठी में चुनाव जीत जाना। रायबरेली सेफ सीट है और यहां से जीत सुनिश्चित है, इस वजह से राहुल गांधी को यहां से उतारा गया। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस पार्टी ये एक्सेप्ट तो कर नहीं सकती है कि अमेठी में हमने वॉकओवर दे दिया है, या फिर इस वजह से राहुल गांधी अमेठी में नहीं उतरे, रायबरेली आ गए, क्योंकि स्मृति वहां पर लगातार डटी हुई है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ नीलू, हमें यह भी देखना होगा कि स्मृति ईरानी जब 2014 में चुनाव हार जाती है राहुल गांधी से, चुनाव हारने के बावजूद वो अमेठी में डटी रहती हैं। 5 साल तक उनकी तरफ से जो वहां पर कैंपेन चलाया जाता है, जो मेहनत की जाती है, बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात करती है, संगठन तैयार करती है, उसका परिणाम होता है कि 2019 में उनकी जीत होती है और राहुल गांधी 2019 में जब हार जाते हैं उसके बाद अमेठी से पूरी तरीके से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा उनकी तरफ से चलाई गई, बाद में यात्रा जब उत्तर प्रदेश आई तो एक दिन के लिए राहुल गांधी जरूर आए अमेठी, लेकिन 5 बरस का जो गैप रहा उस गैप की वजह से शायद कांग्रेस पार्टी ने आकलन किया होगा कि यहां लौटना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए ये हमेशा राहुल गांधी को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि जब चुनाव आते हैं प्रियंका राहुल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, अपने क्षेत्र तक में नहीं जाते हैं, इसको लेकर बार बार सवाल किए जाते हैं। और खासतौर पर बीजेपी इसको लेकर भी हमलावर है कि वो किस मुंह से अमेठी आकर जाएंगे। आपने इतने सालों तक वहां पर कुछ नहीं किया, हारने के बाद वहां के लोगों को देखना भी आप पसंद नहीं किया, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से कही जा रही है, तो ये क्षेत्र में, और इसका हिसाब मैं दे सकती हूँ, 4 लाख लोग हैं जिन लोगों ने राजेश की तरह बैंक से कर्जा लिया, 7,800 करोड़ रुपया हम यहाँ अमेठी में 4 लाख लोगों को दिलवाए हैं ताकि वो कृषि और लघु उद्योग के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो सके, 6,000 लघु उद्योग वाले को भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराए हैं ताकि एक नहीं अमेठी में 6,000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो अगर इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें, लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर, 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6,000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले, धन्यवाद आप सब। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, लगातार वो कह रही हैं कि उन्होंने आखिर अमेठी के लिए क्या किया, लगातार वो 5 साल वहां पर रही हैं। अमेठी के विकास के लिए जितना काम उन्होंने 5 साल में किया है उतना तो कभी गांधी परिवार ने यहाँ की अपनी परंपरागत सीट पर नहीं किया, और इसी का दम भरते हुए वो कह रही हैं कि अगर यहां से राहुल गांधी लड़ते तो कभी नहीं जीतते। चुनौती बार बार स्मृति ईरानी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से मिलता रहा राहुल गांधी को, और यही वजह रही कि इतने मंथन और चिंतन के बाद जाकर ये तय किया गया कि राहुल को सबसे सेफ सीट मानी जाने वाली रायबरेली से उतारा जाए। हालांकि इसके पीछे अब कांग्रेस अपने जितने भी तर्क दे, लेकिन बीजेपी इस वक्त हमलावर है। रणछोड़ दास और पता नहीं क्या क्या कह रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को कहा है। अमित, आपसे एक सवाल कर रही थी कि जिस तरह से अगर राहुल और प्रियंका की बात की जाए, चुनाव के वक्त वो थोड़े एक्टिव दिखते हैं लेकिन उसके बाद कहां जाते हैं, अपने क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं, और बीजेपी अब ये कह रही है कि उन्होंने अमेठी की जनता को तो बहुत पहले से छोड़ दिया था, हारने के बाद तो वहां मुड़कर भी नहीं आए, यानी इतने सालों से अमेठी की जनता ने जो कांग्रेस पर विश्वास जताया और उनके साथ खड़े रहे, उनका विश्वास तोड़ा है गांधी परिवार ने। की बात को आगे बढ़ाऊंगा नीलू, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में अगर आप देख पा रही हूँ, सामने रॉबर्ट वाड्रा बैठे हुए हैं जो कि कह रहे थे कि अगर पार्टी चाहेगी मुझे अमेठी से चुनावी मैदान में उतारेगी तो मैं जरूर उतरूंगा, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं, वहां से किशोरी लाल को पार्टी ने उतार दिया, तो रॉबर्ट वाड्रा एकदम सामने आपको नजर आ रहे होंगे जो कि इस वक्त वहां बेंच पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में अशोक गहलोत भी हैं, प्रियंका वहां पर मौजूद नहीं है, नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह तय है कि रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अब जो बात आप कह रही थी, देखिए बीजेपी बार बार कह रही है और कांग्रेस पार्टी इसको बार बार सही
अमेठी भी साबित कर रही है। न सिर्फ राहुल गांधी ने 2019 चुनाव हारने के बाद अमेठी से दूरी बना ली, नीलू आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और यहां की जिम्मेदारी उनको मिली थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन चुनाव हारने के बाद खुद प्रियंका ने समूचे उत्तर प्रदेश से दूरी बना ली। तो ये मौका कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को बार बार दिया जा रहा है कि बीजेपी अटैक करे कि भाई आप चुनाव जीतने के बाद भी मैदान छोड़कर चले जाते हैं, वहां के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जहां से आप चुनाव जीतते हैं, और चुनाव हारने के बाद तो आपका पता ही नहीं रहता। तो जब चुनाव आता है तभी आपकी मौजूदगी दिखती है, तभी आप कैमरे के सामने नजर आते हैं, तभी आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद आप कहीं पर नजर नहीं आते। और दूसरी तरफ नीलू, भारतीय जनता पार्टी है जो कि पूरे साल चुनाव लड़ती है, हर वक्त वो चुनावी मोड में रहती है, उसके प्रत्याशी चुनाव जीते या चुनाव हारे वो अपने कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र की जनता से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि स्मृति ईरानी है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 2014 में चुनाव हारने के बाद कोई भी प्रत्याशी ये सोचता कि अमेठी में अब क्यों रहना, अमेठी के लोगों से अब क्यों कनेक्ट रहना, जिस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे हरा दिया, लेकिन स्मृति ने कहा कि नहीं मैं यहीं पर रहूंगी, यहीं पर डटी रहूंगी, आज नहीं कल विजय मिलेगी। और वही हुआ, 5 साल तक उन्होंने जो वहां पर मेहनत की, जो वहां उन्होंने संगठन को मजबूत बनाया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में उन्होंने कमल खिलाया और राहुल को अपनी परंपरागत सीट अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा। तो ये मौका बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, इस वजह से बीजेपी हमलावर है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, अभी कुछ देर पहले तक प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहीं पर मौजूद थी, और जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी हैं अंदर इस वक्त, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अमित भी लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। लेकिन ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में, खासतौर पर रायबरेली के मैदान में ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन एक तरह से बीजेपी इस वक्त हमलावर है। अमित, जिस तरह से अगर रायबरेली की बात की जाए, सोनिया गांधी की तबीयत जब से खराब हुई तब से, खासतौर पर अगर उनके पांच साल के बात की जाए, 2019 में जब वो जीत कर आई थी उसके बाद से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी, वो अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पा रही थी, ऐसे में यही कहा जा रहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, कभी भी यहां से छोड़ सकती हैं, और वो रायबरेली सीट वो छोड़कर चली गई, लेकिन अब वहां से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। चलिए, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है, इस बीच में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और एमपी के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी पर कड़ा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश होगा। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल को रणछोड़दास तक कह दिया है। राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ, यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं, ऐसे अमेठी के बजाय वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है, और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते हैं।